अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की दर्दनाक मौत को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। टीकमगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 किसानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घटना स्थल पर पहुंचकर किसानों एवं मृतकों के परिवार को सांत्वना देने पहुंच रही थी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें रोक कर गिरफ्तार किया गया। टीकमगढ़ से मनोज खरे के साथ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके लड़के ने के नेतृत्व में कुछ लोग आए और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कई रफ्तार गाड़ियां। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में इससे जघन्य कांड कोई हो नहीं सकता। ये गौड़से की औलाद हैं, ये जो है इसी तरीके से किसान आंदोलन को दबाना चाहते हैं। और उसके बाद जो है सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टियों के नेता जो है लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और मुजरिम जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती है। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, कल जो है शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया तो सारा मीडिया दिखा रहा है, और 21,000 करोड़ की ड्रग्स जो है अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई है, उसको कोई दिखा नहीं रहा है। प्रजातंत्र के साथ जो है बहुत बड़ा भोड़ा मजाक हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो प्रियंका गांधी के साथ इन्हें बर्ताव किया है, भारतीय जनता पार्टी वाले सचेत हो जाएं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इनके खिलाफ तो इनका ड्राइवर ही बयान दे रहा है, देखो जो ड्राइवर है कि हमें उनके लड़के ने भेजा। अब इसके बाद गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं, गिरफ्तारी होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।